खरगोन जिले के सेगांव कोरोना महामारी से अब तक अछूते रहे। तहसील क्षेत्र सेगांव में भी अब धीरे धीरे बीमारी अपने पैर पसार रही है। पिछले 3 दिनों में अलग अलग जगह पर 6 से ज्यादा मरीजों के सामने आने के बाद और उसमें से एक की मौत हो जाने से नगर सहित पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि तहसील क्षेत्र के ग्राम श्रीखंडी में एक 60 साल का बुजुर्ग और ग्राम हनुमंतिया में एक 41 वर्ष के युवक के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके घरों की गलियों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर उनके संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। ग्राम को सैनिटाइजर कर पूरे गांव को सैनिटाइजर कर संदिग्धों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उक्त मरीज पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे। 14 जुलाई को उनको अपने गांव में ANM द्वारा ऊन अस्पताल भेजा गया, जहां इनकी कोरोना की जांच की गई, जिसमें इनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार जनपद पंचायत सेगांव में पदस्थ DEO 55 वर्षीय के कोरोना संक्रमित होने पर जारी इंदौर में उपचार के दौरान आज निधन हो गया। उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO डॉक्टर धीरेंद्र पवार ने बताया कि जनपद पंचायत SDO पिछले एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ कोरोना के सेगांव ब्लॉक में 2 गांव है, हनुमंतिया और श्रीखंडी, वहाँ पे 2 केस निकले हैं पॉजिटिव। उसका यही पूरा कंटेनमेंट एरिया बना दिया है और सैनिटाइज करवाया है। बाकी लोगों को सैंपल के लिए बोला है और 2 पेशेंट को रेफर किया हमने जिला अस्पताल खरगोन में। जनपद पंचायत के कर्मचारी की मृत्यु की पुष्टि करोगे मैडम? सुनने में आ रहा है उसकी ऐसी मेरे पास कुछ पेपर वाइज कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जैसा मुझे लोगों ने बताया है उस हिसाब से मैंने जनपद में सैनिटाइज करवाया और वहाँ के लोगों को सैंपलिंग के लिए बुलाया है और बाकी लोगों को होम आइसोलेशन की हिदायत दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।